तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल एंटरप्राइज में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 15। दोस्तों हम कह रहे हैं पोकेमॉन ग्लाइस। तो पिछले ही एपिसोड में तो हम वॉलेट सिटी की तरफ आए थे, जहां पे हमें पता लगा था कि जो जिम लीडर वो जिम में नहीं है। तो हम जिम लीडर को ढूंढने जाते हैं अपने अल्फा मतलब कुछ स्टोन्स वगैरह के साइड पर जाते होते हैं। वहाँ पे हमें मतलब मेन टीम फ्यूजन की लीडर मिलती है, जो जिससे हम पहले भी मिल चुके हैं एक बार, और उसके बाद हम उसको डिफीट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम हरा तो देते हैं, फिर भी वो अपना जो साथ लावा ओप है वो ले जाती होती है। और जो लावा ओप है वो इस काम पे आता है कि उससे हम एंटे को सुमन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने उस चीज़ को खो दिया हुआ है, और फिर भी हम उस चीज़ को रिकवर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सामने इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संतोष, पीछे मैंने पूछा था कि ये कौन सा पोकेमोन है। दोस्तों ये है ग्रैम्बल। तो सबसे पहले आंसर दिया है पोकीराज गेमिंग ने, फिर दिया उदय भाई ने, फिर दिया गेमर ने, फिर दिया लक्ष्य भाई ने, फिर दिया गौतम। दोस्तों ये वो डी पोकेमॉन आर्ट फैन थे जिन्हें जवाब दे। दोस्तों अगर आप डी पोकेमॉन आर्ट फैन हो तभी आप जवाब दे पाओगे, तो कुछ स्क्रीन पे आने वाला है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और देखते हैं भाई अब हमारे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ से होने वाला है। मेरे हिसाब से जहाँ पे हमने लैब देखी थी ना, वहाँ से मैंने देखा थोड़ा सा रास्ता है जाने के लिए, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये रूट नंबर 36 है, यहाँ पे हमारा बैटल वाला सीन बन चुका है। हाँ लग रहा है, क्योंकि ये साइंटिस्ट में भी हमसे बैटल करने के लिए आया है। हाँ उसने एक सूडो बूडो पकड़ा है, वो हम चाहते हैं कि हम उसको देखें। अब देखने के चक्कर में हमसे फाइट करेगा, नॉर्मल सी बात थी भाई, वो फाइट करना आता था। तो ऐसा करते हैं कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स के रिसर्च वगैरह के बारे में बता रहा है, तो ज़रा हम जाके एक बार देखना ले, शायद कोई काम की चीज़ पता लग जाए हमें लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में। तो क्या जानते हो तुम लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में यहाँ पे? ओके, उसने किसी विलेज का नाम बोला है, हमें वहाँ पे जाना होगा क्या? इस बंदे से बात करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो नीचे की साइड से हम लोग निकल जाते हैं भाई, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास पता लगा नहीं हमें। चलो ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ लेते हैं। मेरे समय फाइट के सीन बनेंगे। हाँ वो बंदा फाइट का, जो रूट नंबर है 37, और ये बैरीज वगैरह लगी हैं यहाँ पे। ओके, तो ज़रा इस बंदे से हम फाइट कर लेते हैं, क्योंकि एक बंदे से फाइट करनी पड़ेगी। मेरे समय डबल बैटल हो जाना था अगर हम उससे फाइट करते ऊपर वाले बंदे से। ये लड़की फाइट करने वाली है, तो मैंने इसको भी डिफीट कर दिया हुआ है। इसके ऊपर की साइड देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक नई सिटी है, और ये हमें स्प्राउट टावर पे मिला था, वो हमें कुछ दिखाना चाहता है। ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ वो दिखाना चाहता है हमें यहाँ पे, और वो क्या है भाई। ये है, ओके यहाँ पे एक और टेंपल वगैरह है मे बी। ओके तो हाँ ये एक टेंपल वगैरह है, और यहाँ के पीपल्स ने इसे अभी रिसेंटली रिस्टोर किए हैं। क्या ह्यूमंस को लेजेंडरी में पकड़ने चाहिए? हाँ क्यों नहीं पकड़ने चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि ह्यूमंस को पोकेमॉन कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और टीम फ्यूजन ने वोल्केनो और चुरा लिया, हमें पता है यार वो एंटो को पकड़ना चाहते हैं, मतलब पकड़ शायद लिया भी है उन लोगों ने। बाकी वो वाइट वुड सिटी की तरफ जा रहा है नॉकटाउन की मदद से। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से हम नहीं जा सकते हैं जब तक यहाँ पे इनका मेन लीडर नहीं आ जाता है। विदाउट परमिशन एंट्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले अपने पोकेमॉन सेंटर की HP फुल करूँगा, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जिम जीत सकते हैं कि नहीं। वैसे मेरे हिसाब से हमें जिम जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई बंदा वगैरह खड़ा तो नहीं है, और लगता है ये जिम लीडर था भी नहीं। तो लगता है जहाँ का जिम लीडर डिफरेंट होने वाला है, और जैसा मुझे देखने को लग रहा है ये मेरे हिसाब से शायद घोस्ट टाइप जिम हो सकता है। घोस्ट, हाँ हो सकता है देखने में। ओके बाकी हम देख लेते हैं ये बंदा कौन है। ओके तो ये उसका नाम बिली है, तो मतलब बिली यहाँ क्या कर रहा है कैंटो रीजन से। ये टेलीपोर्टिंग सिस्टम है। ओके, हम जब भी कोई नई सिटी में आएंगे तो यहाँ पे हम अपना ट्रेनर कार्ड दिखा के टेलीपोर्ट कर सकते हैं टाउन में। रेड का मतलब होता है कि हम एक बार ट्रैवल कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लू मतलब भी हम ट्रैवल नहीं किए हैं। तो बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके एक बार। ओके, यहाँ पे मतलब फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकते हैं सिटीज़ की तरफ। ये तो बढ़िया सिस्टम है यार, हम सीधा टेलीपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा लगा मुझे ये। यहाँ पे जिम वगैरह कहाँ है अपनी? मुझे बैच जीतने के लिए जाना होगा यहाँ पे। ओके देखते हैं भाई यहाँ का जिम लीडर कैसा होने वाला। अरे यार मतलब यहाँ पे एक पजल वगैरह सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। हाँ लग रहा है मुझे, वापस आता हूँ मैं। चलो अभी देखते हैं इसको दोबारा, देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ का। चलो मेरे हिसाब से मैंने बंदों को यहाँ पे डिफ़ीट किया था। मैं जिम लीडर के पास एक बार जाकर आया भी हूँ, और वो मेरे सबसे यहाँ से था रास्ता। एक बार देखते चलो यार। नहीं, इसके ऊपर से शायद मैंने टर्न लिया था राइट हैंड साइड को। हाँ यहाँ से लिया था, ऊपर देख लेते हैं। ओके यहाँ ये ड्रॉइंग रिप रिप लिखा हुआ भाई, क्यों मरवाना है हमें बताओ। इससे यहाँ से हाँ बस पहुँचने वाले जिम लीडर के पास। ये रहा वो जिम लीडर। तो ये घोस्ट टाइप जिम है, हमें अपना बैच के लिए इसको डिफीट करना होगा। ये घोस्ट टाइप पोकेमॉन यूज़ करता है, तो मेरे हिसाब से
क्या नाम है अपना, इन्फरनैप हैंडल कर सकता है। कितने पोकेमोन होंगे इसके पास? 5 पोकेमोन है, ठीक है। हाँ, ये पहला पोकेमोन इसका आइस टाइप में, आस्ट और घोस्ट टाइप में, आइस और घोस्ट टाइप में। तो हाँ, ये जाएगा फ्लेम थ्रोअर से पूरा, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं हम लोग। चलो ये तो जाएगा, इसका सर्वाइव नहीं, ये सर्वाइव नहीं करता। इसका पहला पोकेमोन जा चुका है, 4 पोकेमोन बचे हैं, देखते हैं इसका। एक इसमें गेंगार पक्का होगा, एक गेंगार। नॉर्मली घोस्ट टाइप पोकेमोन ट्रेनर्स रखते हैं, गेंगार है ही इतना अच्छा, गेंगार तो इसके पास होगा होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आ सकता है। अब क्या तो गेंगार आएगा, ओह लगा था गेंगार ही आ रहा है, तुक्का था मेरा भाई। ओके, 3 पोकेमोन अभी भी इसके पास हैं, गेंगार भी जाएगा। गेंगार सर्वाइव नहीं करता, 61 का है, हमें कोई परवाह नहीं भाई, हम आराम से इसको गेंगार को भी डिफीट कर देंगे। ये भी पूरा जाने वाला है। ओके, तो ये भी गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। नेक्स्ट है इसका कौन सा पोकेमोन है नेक्स्ट? सैबलाई। ओके, सैबलाई के लिए चलो इन्फोनैप ही कर सकता है, मेरे हिसाब से इन्फोनैप कर सकता है। सैबला जाना चाहिए वैसे, पूरा सर्वाइव नहीं करता वैसे, ये नहीं किया। चलो बढ़िया, अरे सर्वाइव कर गया, थोड़ी सी हेल्थ बच गई यार, अभी पोशन ले लेगा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा फ्लेम थ्रो कर देंगे। चलो फ्लेम थ्रो करते हैं, क्या लगता है ये पोकेमोन चेंज कर रही है? नहीं, फुल रिस्टोर कर रही है, ठीक है, फुल रिस्टोर किया। अब हम दोबारा करते हैं, शायद अब ख़त्म हो जाए चांसेस हैं, नहीं तो ये दोबारा पोशन यूज़ कर सकती है, बाकी देख लेते हैं। ओके, ये पूरा गया, देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है। इसका नेक्स्ट है अपना, लास्ट होने वाला है क्या? नहीं, सेकंड लास्ट है मे बी ये पोकेमोन, भी इसका पूरा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ, ये भी जाएगा, अभी सबसे इन्फोनैप इसको हैंडल कर सकता है, 60 का है, ज़्यादा कुछ खास लेवल नहीं है इसका। अभी बस एडवांटेज है इसको ख़त्म करने के लिए, बाकी देख लेते हैं। ओ भाई, ये भी पूरा गया, चलो देखते हैं इसका लास्ट पोकेमोन कौन सा है, कि ये सेम ही पोकेमोन आने वाला है। नहीं, चांसेस होते हैं कि सेम पोकेमोन हो इनके पास, एक दो नहीं, गेंगार सेम था इसमें, ठीक है। मेगा एवोल्यूशन तो नहीं गेंगार का, इसमें मेगा एवोल्यूशन है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं था नहीं शायद मेगा एवोल्यूशन, तो ये जाना चाहिए पूरा ये भी। चलो अब ख़त्म करते हैं इसको भी। ओके, तो देखो यार, इसके साथ हमें हमारा सेकंड बैच मिल चुका है घूस टाइप। अभी भी हम कितने बैचेस कम है, 6 बैचेस पीछे हैं, चल रहे हैं, और अगर ये बैचेस मिल जाए तो हम इजीली अपने पोकेमोन लीग की तरफ जा सकते हैं, और शायद ये बैटल फ्रंट तक ही है, बैटल फ्रंट तक है कि अपनी उस पर ख़त्म हो जाती है ये जोटो रीजन में। वैसे बैटल फ्रंट का मैप है इसमें, मैं देखा था। ओके, ये है TM30 शेडो बॉल, रख लेते हैं शेडो बॉल, अगर कोई डार्क टाइप पोकेमोन है उसको हम सिखा सकते हैं। चलो शॉर्टकट से निकल जाएंगे। लो भाई, एग्जिट में आ गए हम लोग, अब बाहर चलते हैं। पहले पोकेमोन सेंटर जाऊंगा, HP फुल करूंगा, उसके बाद वापस मिलता हूं तुम लोगों को। तो गाइस, मेरी HP फुल हो चुकी है, अब यहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस सिटी का जो मेन काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट सिटी कहां से होने वाली है हमारी। ये है रूम में 38, ये बंदा फाइट करेगा। अरे यार, पकड़ लिया, चलो इसको डिफ़ीट कर देते हैं। चलो इसको हमने डिफ़ीट कर दिया, नीचे की साइड से हम लोग निकल जाएंगे। ओ, एक और बंदा है यहाँ पे, वो कूद जाते हैं। चलो बढ़िया, यहाँ से ओ एक और बंदा है, वो नीला है अभी, मतलब बॉक्स, मतलब अभी हम यहाँ पे पहली बार आए, इस वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते इस टेलीपोर्टर को। एक मिनट, ये तो हमारी राइवल है ना, तो यहाँ पे क्या कर रही है? ओके, शायद ये मुझसे बैटल करने आए, क्योंकि इसको पता लग चुका मैं कितने जिम बैट जीत चुका हूँ, तो मैंने टोटल 2 जिम बैट जीत लिया था, तो वो मुझे अपना राइवल मानती है। पर वो भूल चुकी है कि मैं एक रीजन का चैंपियन हूँ, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ एज़ कम्पेयर टू इससे। चलो देखते हैं इसने पहला पोकेमोन कौन सा लिया। मेरे हिसाब से इसके बालों को देखकर, कपड़ों को देखकर लग रहा है कि शायद इसने पहला पोकेमोन चिकोरिटा लिया होगा, तो मे बी बेलीफ का विकसित रूप होगा इसके पास। पहला पोकेमोन है राइचू, मैं इस पर फ्लेम थ्रो करता हूँ, शायद ये बचे ना, बहुत ज़्यादा चांस है, बाकी देख लेते हैं। राइचू पूरा जाना चाहिए यार, बे यार एक ऐसे सर्वाइव कर गया यार, पोशन ले लेगा यहाँ पे ये, और उसने डिफेंस गिरा दिया हमारा, ये गलत बात है। दोबारा फ्लेम थ्रो करते हैं, उसने फुल रिस्टोर कर दिया। ओके, तो इसको फुल रिस्टोर करना था अपने पोकेमोन को, तो मतलब दोबारा से ये सर्वाइव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है, बाकी देख लेते हैं। प्लीज़ पूरा जाए, पूरा जाए, पूरा जाए, पूरा जाए। भाई ये फिर बच गया, पहले से ज़्यादा इसकी बच गई इसकी। ओके, दोबारा फ्लेम थ्रो करते हैं हम लोग। पोकेमोन चेंज, कौन सा पोकेमोन आ रहा है? ओके, गांच चौंक आ रहा है, और मैं एक मिनट भाई, ये तो सर्वाइव नहीं करेगा, नहीं थोड़ा कर सकता है, चांस है यार, पिकाचू सर्वाइव नहीं किया तो ये कैसे सर्वाइव कर। ये पूरा चला गया यार, कुछ समझ नहीं आया मुझे। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, पूरा चला गया, हमें क्या, हमें तो बस ख़त्म करना है बंदे को। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है इसका।
अपसोल मेरे हिसाब से अपसोल को देख लेगा इन्फोनेप। चलो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर, इस पर इन्फोनेप ज़्यादा अच्छा काम करता है। देखो ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन टीम में वो ज़्यादा अच्छा काम ही करता है। ये पूरा जाने वाला है, ये भी अपसोल भी गया। इसका नेक्स्ट पोकेमोन में भी है बेली, हाँ बेली होगा, देख लेते हैं। बेली नहीं तो कोई पोकेमोन तो होना ही चाहिए। ओके सीकिंग, इसके खिलाफ पिकाचू यूज़ करेंगे। पिकाचू को कौन सा अटैक आता है, वोल्टेकल, थंडरबोल्ट में भी, और अपना जैप कैनल शायद, और जैप कैनल का इफेक्ट कर सकता है। जैप कैनल कर लेते हैं। ओके इसको थंडरबोल्ट नहीं आता है, जैप कैनल से ये पूरा गया। चलो ये पोकेमोन पूरा गया, देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा आने वाला है। इसका नेक्स्ट पोकेमोन है अब अपना राइचू, दोबारा राइचू आने वाला है। मैं यूज़ करूँगा अपना सेप्टाइल को। सेप्टाइल का जो वो होता है अपना गीगा ड्रेन, उससे पूरा चला जाएगा। गीगा ड्रेन है ये इतना बढ़िया, और ये पोशन भी नहीं देगा, देखा देख लेना, ये गीगा ड्रेन काम कर जाएगा यहाँ पे हमारा। चलो देखते हैं, चलो गीगा ड्रेन काम कर गया। इसके बाद इसका लास्ट पोकेमोन है ना, शायद मे बी लास्ट या सेकंड लास्ट, आप में से जब वो बेली आने वाली होगी, बहुत चांसेस पर बेली वो, बाकी देख लेते हैं। फेलडेटर हो चुका है 53 का, देखते हैं नेक्स्ट पोकेमोन है। हाँ देखा वही है, तो मैं इसके खिलाफ यूज़ करूँगा अपना चिमचार को, या फिर इन्फोनेप बोल लो, इन्फोनेप को यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है इन्फोनेप, तुम्हें ये राउंड जीतना है, मतलब इसको खराब दो तुम, ठीक है। चलो मैं फिर फ्लेम थ्रो कर देता हूँ इस पर, और ये पूरा जाएगा। ओके गाइस, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसे बढ़ गया है, तो मैं बताऊँ, मैंने गलती से गेम लोड कर दी थी और बस पंगा पड़ गया वहाँ पर थोड़ा सा। तो अभी तुम देखोगे कि दोबारा पिकाचू आएगा राउंड के अंदर, क्योंकि मैंने क्यों लोड किया मुझे खुद समझ नहीं आया, मैंने गलती से गेम को लोड कर दिया। मैंने सेव करना था, मैंने लोड पे क्लिक कर दिया, और फिर मैंने वहीं से शुरू कर दिया जहाँ पे हम इसको हराने वाले थे। यह आ चुका है उसका रायचू, दोबारा उतनी ही एचपी थोड़ी सी कम होएगी, तो हम रायचू को डिफीट करने वाले हैं यहाँ पे दोबारा से। वो देखो उतनी एचपी रायचू है, ख़त्म करते हैं इस रायचू को भी। और इसके बाद इसकी सिर्फ आएगी अपना लास्ट पोकेमोन, पता नहीं कौन सा होने वाला है इसका लास्ट का, कोई आइडिया नहीं है मुझे, देख लेते हैं। बाकी क्या ग्रास टाइप में हो, हाँ ग्रास टाइप में है। चलो बेलोम, अब तुम जाने वाले हो यहाँ से। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे फ्लेम थ्रो, और फ्लेम थ्रो ख़त्म होने वाले हैं भाई, ये पता नहीं हम कब इसको रैंक पर सिटी पे तक पहुँचेंगे हम लोग। ओ फाइनली हमने इसको डिफीट कर दिया हुआ है, और अब हम जा सकते हैं अपने आगे की तरफ। और अगर कोई काम की चीज़ इसने देनी होगी तो ये दे देगी, नहीं चली जाएगी, बाकी देख लेते हैं काम की चीज़ देती है या नहीं देती है। ओके अभी के लिए वो अपनी एवरग्रीन जिम की तरफ जाने वाली है, कि बढ़िया है तो निकलने वाली है यहाँ से, तो नीचे की साइड से जिम होने वाला है मे बी, हम जाकर देख लेते हैं। अरे कितने बैटल्स हो रहे हैं यार यहाँ पे, बताओ मुझे। इस घर को तो बाद में देखेंगे, क्या इस घर के अंदर, छोड़ो हम पहले जिम मैं उधर देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे वो कहाँ है अपना जिम वगैरह, या फिर सिटी कहाँ है यार। ओ मैन, मैं क्यों रुका यहाँ पे बताओ, डिफीट करने दो इसे, इससे फाइट नहीं करनी भाई हमने। वो गाइस फाइनली हम लोग अपनी सिटी में आ चुके हैं, यहाँ पे अपना नेक्स्ट जिम होने वाला है। तो सर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा समझे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हम 3K के बहुत ज़्यादा कंप्लीट है, हमें 10K इस साल के एंड तक करने हैं, तो 3K तो पहले करवा दो, फिर 10K कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस थैंक यू वॉचिंग यार वीडियो। अरे वाह यार, यहाँ पे देखो बैटल फ्रंट का भी मैप है, और हम बैटल फ्रंट मुझे लगा था यहाँ पे होने वाला है, तो बढ़िया यार, हम बैटल फ्रंट को भी देख लेंगे एक बार। और यहाँ पे मेरे पास दो बैचेस हो चुके हैं फाइनली, ठीक है यार, अब हम थर्ड बैच जीतेंगे जल्दी ही।